Hey, what's up guys? मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं The Technical Rewind। दोस्तों अगर आप भी अपने स्मार्टफोन में जो होम स्क्रीन वॉलपेपर्स हैं और लॉक स्क्रीन वॉलपेपर्स हैं उन्हें ऑटो चेंज पर लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही कमाल की ऐप के बारे में बताने वाला हूं जिसकी मदद से आपके होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन वॉलपेपर्स ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेंगे। वैसे तो ये फीचर आपको कई स्मार्टफोन्स में देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपके स्मार्टफोन में ये फीचर अवेलेबल नहीं है तो इस ऐप की मदद से आप इसे इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों इस ऐप का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको ये ऐप सिर्फ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको टॉप लेफ्ट साइड में 3 लाइंस पर क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगी ऑटो वॉलपेपर चेंजर सेटिंग्स की। तो आपको इसे इनेबल करने से पहले इसकी सेटिंग करनी होगी, तो इसे आपको टैप कर देना है और यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले इसका आपको जो टाइम इंटरवल है उसे सेलेक्ट करना है, यानी कि आपका जो वॉलपेपर है वो कितनी देर बाद ऑटोमेटिकली चेंज होता रहे, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट या फिर कितने मिनट बाद आपका जो वॉलपेपर है वो चेंज होता रहे। मैं आपको यहाँ पर 1 मिनट सेट करके दिखा देता हूँ। उसके बाद जो ब्लर इंटेंसिटी है इसे आपको ऑफ ही रखना है। डार्कन वॉलपेपर फॉर बेटर रीडेबिलिटी, यहाँ पर आपको लेवल 1 पर सेलेक्ट कर लेना है या फिर आप सिस्टम डिफाइंड पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो रैंडमाइज है इसे आपको इनेबल कर देना है। डबल टैप वॉलपेपर चेंज, यानी कि अगर आप होम स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो आपका वॉलपेपर इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा, इसे अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो इनेबल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऑफ रख सकते हैं। उसके बाद है लॉन्ग प्रेस टू चेंज वॉलपेपर, इसे भी आप इनेबल करना चाहें तो इनेबल कर सकते हैं, जिससे कि आप होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करके अपने वॉलपेपर को चेंज कर पाएंगे। बाकी आप इसे ऑफ रखना चाहें तो इसे भी ऑफ रख सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों एनिमेट वॉलपेपर चेंज, इसे आपको इनेबल कर देना है, जिससे कि जब भी आपका जो वॉलपेपर है होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन वाला वो जब भी चेंज होगा तो एक छोटी सी एनिमेशन आपको दिखाई देगी। उसके बाद ऑटो डाउनलोड वॉलपेपर, इसे आपको इनेबल कर देना है। इसे इनेबल करते ही आपको कई सारी सेटिंग्स देखने के लिए मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको नीचे जो कैटेगरीज दी गई हैं उन्हें सेलेक्ट करना है, यानी कि किन कैटेगरीज के आप वॉलपेपर देखना चाहते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन होती है कैटेगरीज सेलेक्ट करने में तो आपको क्या करना है, ओनली एडिटर्स चॉइस पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपको जो बेस्ट वॉलपेपर्स हैं वही आपको दिखाई देंगे। उसके बाद आप सबसे ऊपर देखेंगे शो ओनली ऑनलाइन वॉलपेपर्स, अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो इसके लिए आपको इंटरनेट जो है वो हमेशा ऑन रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका नया वॉलपेपर डाउनलोड होकर चेंज होगा। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगी डाउनलोड ओवर वाईफाई ओनली, अगर आपके पास वाईफाई है तो इसे वाईफाई ओनली पर इनेबल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे बंद ही रहने दें। उसके बाद तीसरी ऑप्शन है ऑटो सेव वॉलपेपर, इसे आपको दोस्तों बंद ही रखना है, क्योंकि जितनी बार आपका वॉलपेपर चेंज होगा अगर आपका ये ऑप्शन जो है इनेबल होगा तो वो आपके फोन मेमोरी में सेव होता रहेगा, तो इसे आपको ऑफ ही रखना है। उसके बाद ओनली 4K वॉलपेपर्स, अगर दोस्तों आपके स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले है वो फुल HD प्लस है फिर तो आप इसे ऑफ ही रखिए, अगर फुल HD प्लस से ज्यादा है फिर आप इसे ऑन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सारी सेटिंग्स करने के बाद आपको सेट ऑटो वॉलपेपर पर टैप कर देना है और यहाँ पर जो परमिशन है इसे अलाउ कर देना है और सिंपली आपको सेट वॉलपेपर पर क्लिक करके होम स्क्रीन या होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, यानी कि सिर्फ आप होम स्क्रीन पर सेट करना चाहते हैं या फिर दोनों पर ही सेट करना चाहते हैं, इनमें से आपको कोई भी सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हमारे जो वॉलपेपर्स हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कुछ आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा, तो इसे देखकर आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये देख सकते हैं कुछ देर बाद ही आपका जो वॉलपेपर है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वॉलपेपर डाउनलोड होने में भी थोड़ा सा समय लगेगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि अगर आपने डबल टैप वाला फीचर ऑन किया है तो डबल टैप करने पर आपका वॉलपेपर जो है वो चेंज हो जाएगा। डबल टैप करने पर मेरी स्क्रीन ऑफ हो जाती है, तो मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ दोबारा। ये देख सकते हैं दोस्तों जो वॉलपेपर है वो चेंज हो चुका है। अगर आपने लॉन्ग प्रेस टू चेंज वॉलपेपर वाला ऑप्शन ऑन किया है तो इससे भी आपका लॉन्ग प्रेस करने पर वॉलपेपर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों जो वॉलपेपर्स हैं वो मेरे ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं। तो कुछ इस तरह से आप इस एप्लीकेशन की मदद से ऑटो वॉलपेपर चेंज को इनेबल कर सकते हैं किसी भी स्मार्टफोन में। और दोस्तों ये जो ऐप है ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।